नमस्कार दोस्तों, तीसरे वनडे में आया विराट कोहली का तूफान, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड और रच दिया इतिहास, जिसको देख सचिन भी रह गए हैरान और दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी विराट कोहली के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करीब 3.5 साल तक शतक का इंतजार करने वाले विराट कोहली अब इस सूखे वक्त की भरपाई करने में लग गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में दमदार पारी खेलते हुए शतक जमा दिया है। तिरुवनंतपुरम में सीरीज के आखिरी मुकाबले में कोहली ने 85 गेंदों में 100 का आंकड़ा छू लिया है। इस तरह कोहली अपने वनडे करियर के 46वें शतक तक पहुंच चुके हैं और खास बात यह है कि इस सीरीज में यह कोहली का दूसरा शतक है। नए साल के अपने पहले मैच में कोहली ने गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन शतक ठोका था। ये नवंबर 2019 के बाद भारतीय जमीन पर किसी भी फॉर्मेट में उनका पहला शतक था। कोलकाता में वे इसे दोहराने में नाकाम रहे थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम में बल्लेबाजी के लिए अच्छी परिस्थितियां थी और ओपनरों से मिली बेहतरीन शुरुआत का फायदा उठाते हुए कोहली ने एक और सेंचुरी अपनी झोली में डाल ली। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को बड़ी शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने तेज बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की। हालांकि रोहित 42 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने शुभमन गिल का बेहतरीन साथ दिया। शुभमन गिल ने भी शतक जड़ा और 116 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली टिके रहे। कोहली ने पारी की शुरुआत धीमी की, लेकिन बाद में तेजी से शतक को पूरा कर लिया। ये उनके करियर का 74वां शतक है। शतक जड़ने के बाद तो कोहली का अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने श्रीलंकन गेंदबाजों को पूरी तरह से धोना शुरू कर दिया। कोहली ऐसे ऐसे शॉट खेल रहे थे जिसको देख तो रोहित शर्मा भी हैरान रह गए। कोहली ने इसके बाद मात्र 25 गेंदों में ही 66 रन ठोक दिए थे और 110 गेंदों में 166 रन बनाकर नाबाद रहे। इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 8 छक्के लगाए। इस तरह भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 390 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। इस पारी के बाद कोहली ने कई रिकॉर्ड पे नाम कर लिए हैं। कोहली का यह दूसरा सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। कोहली का यह भारतीय सरजमीं पर 21वां शतक है और इसके साथ ही उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दरअसल घर में सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में सचिन तेंदुलकर 20 शतक के साथ टॉप पर थे, लेकिन इस शतक के चलते कोहली ने उनको पीछे छोड़ दिया है। वहीं वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में इस मैच से पहले विराट कोहली 6 नंबर पर थे, वहीं महिला जयवर्धने 5वें नंबर पर थे। इस मैच में 63 रन बनते ही विराट ने उनको पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ये उनका सभी फॉर्मेट में 74वां शतक है। अब सचिन के 100 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कोहली को सिर्फ 26 शतक की और जरूरत है। वहीं दोस्तों, विराट कोहली के शतक के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी उनको बधाई दी और बड़ी बात कह दी है। सचिन ने कहा, कांग्रेचुलेशन विराट, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम काफी मुश्किल समय से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मुझे पता था जल्द ही तुम वापसी करोगे। तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा, इसलिए मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि एक भारत ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं यही आशा करता हूँ कि तुम ही मेरे 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़ो और मुझे यकीन है कि तुम ये कर पाओगे। दोस्तों, क्या आप भी सचिन तेंदुलकर की बात से सहमत हो और आप कोहली की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो, कमेंट करके बताइएगा।